बसमिल्लर अल्लाह का नाम लेकर जो बेहद रहमत वाला बार बार रहम करने वाला है मैं बकरा पढ़ना शुरू करता हूँ मीम, यानी मैं अल्लाह इल्म रखता हूँ यही एक आला दर्जे की और कामिल किताब है इसमें शुभ और नुकसान वाली कोई बात नहीं मुतकियों को मंजिल मकसूद तक पहुँचाने वाली है उन्हें जो गैब पर ईमान लाते हैं और नमाज कायम रखते हैं और जो कुछ भी हमने उन्हें दे रखा है उसमें से खर्च करते रहते हैं और जो इस कलाम पर ईमान लाते हैं जो तुम्हारी तरफ उतारा गया है और तुमसे पहले उतारा गया था और आखरत पर वो यकीन रखते हैं यही लोग उस आला दर्जे की हदायत पर मुतमक्न है जो उनके रब की तरफ से आई है और यही लोग दीन और दुनिया में बा मुराद हैं लेकिन जो कुफ पर कायम हो गए अब चूंकि तुम्हारा उन्हें मुतनबे करना या न करना उनके लिए बराबर हो चुका है वो ईमान नहीं लाएंगे और ये इसी का नतीजा है कि अल्लाह ने उनके दिलों और उनके कानों पर मुहर लगा दी है और उनकी आंखों पर पर्दा पड़ गया है और उनके लिए एक बड़ा अजाब मुकद्दर है फिर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह पर और बाद में आने वाले दिन पर ईमान ला चुके हैं हालांकि वो हरगज मोमिन नहीं हैं, वो अल्लाह को और उन लोगों को जो ईमान लाए छोड़ रहे हैं हालांकि दरअसल वो अपने सिवा किसी को महरूम नहीं कर रहे और वो महसूस नहीं करते उनके दिलों में निफाक का मर्ज था अल्लाह ने इस्लाम को कामयाब करके उनका मर्ज और ज्यादा कर दिया और उनके हमेशा झूठ बोलने की वजह से उनके लिए एक दर्दनाक अजाब मुकद्दर है जब उन्हें कहा जाता है कि मुल्क में फसाद बरपा न करो तो वो कहते हैं हम ही तो इस्लाह करने वाले हैं देखो यही लोग दरअसल फसाद बर्पा करने वाले हैं लेकिन उन्हें इसका शौर व एहसास नहीं जब उन्हें कहा जाता है दूसरे ईमानदार लोगों के ईमान लाने की तरह तुम भी ईमान लाओ तो वो कहते हैं क्या हम इन ना के ईमान लाने की तरह ईमान लाए देखो हकीकत में खुद यही ना समझ हैं मगर ये अपनी हालत को नहीं जानते और जब ये उन लोगों से मिलते हैं जो ईमान ला चुके हैं तो कहते हैं हम भी ईमान ला चुके हैं और जब अपने सरगनों के साथ तन्हाई में होते हैं तो कहते हैं असल में तो हम तुम्हारे ही साथ हैं हम तो उन्हें महज खफीफ बनाने वाले हैं अल्लाह उन्हें खफीफोह हकीर कर देगा वो उन्हें ढील दे रहा है और ये हैं कि अपनी सरकशी के तूफान में बह के चले जा रहे हैं इन ही गुमराह गुमराही इख्तियार कर ली है मगर ना उनका ये लेन देन नफा मंद साबित हुआ और ना वो दुरुस्त राही इख्तियार करने वाले बने उनकी हालत तो ऐसी है जैसे किसी ने तारीकी में आग सुलगाई और जब उसका माहौल रोशन हो गया तो अल्लाह ने उन मुनाफिकों का उजाला दूर कर दिया और उन्हें मुख्तलिफ किस्म के अंधेरों में इस हाल में छोड़ दिया कि उन्हें कुछ सुझाई नहीं देता बहरे हैं गंधे हैं अंधे हैं, सो वो अपनी गश्तगी से लौटेंगे नहीं और बाज मुनाफिकों की हालत ऐसी है जैसे मुफीद बारिश बादल से बरसती है उसमें अंधेरे और गर्ज और बिजली है हॉलनाक आवाजों के बायस मर जाने की दहशत से वो अपनी उंगलियां अपने कानों में डालते हैं हालांकि अल्लाह काफरों को घेरे हुए है खीरगी का ये आलम है कि गोया अन करीब बिजली उनकी बिनाई उचक कर ले जाएगी जब भी वो उन्हें चमक दिखाता है तो उसकी रोशनी में चंद कदम चल लेते हैं और जब उन पर अंधेरा छा जाए तो रुक जाते हैं और अगर अल्लाह चाहे तो उनकी सुनवाई और बीनाई बिल्कुल सलब कर ले अल्लाह हर चाही हुई बात के करने पर यकीनन पूरी तरह कादिर है ऐ लोगो अपने रब की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया और उन सब को भी जो तुमसे पहले थे ताकि तुम हर तरह की आफात से बचे रहो जिसने तुम्हारे लिए इस जमीन को राहत के लिए बनाया और आसमान को हिफाजत का जरिया और बादल से पानी बरसाया फिर इससे तुम्हारे लिए बतौर रिस्क किसम किस्म के फल पैदा किए सो तुम जानते बूझते हुए अल्लाह के हमसर न ठहराओ और अगर तुम इस कुरान की सच्चाई के मुतालिक जो हमने अपने बंदे पर वक्तन फवक्तन नाजिल किया है किसी तरद में हो कि ये मिन जानब अल्लाह है या नहीं तो अगर तुम इस तरद में सच्चे हो तो इसकी किसी एक सूरत ही बना कर ले आओ और अल्लाह के अलावा जिन्हें अपना मददगार समझ रखा है अपने वो सब मददगार भी बुला लो फिर भी अगर तुमने मुकाबला ना किया और याद रखो आइंदा भी हरगिज़ इसका मुकाबला ना कर सकोगे तो इस पर ईमान लाओ और उस आग से बचो जिसका ईंधन इंसान और बुतप्रस्त बनेंगे वो काफरों के लिए तैयार की गई है उन लोगों को जो ईमान लाए और जिन्होंने ईमान के मुनासिब काम किए बशारत दे दीजिए कि उनके लिए घने बाग हैं जिनके नीचे से उन्हें शादाब रखने के लिए नहरें बह रही हैं जब भी उन्हें उन बागों में से कोई फल बतरी के आसन दिया जाएगा तो वो कहेंगे ये तो वही वादा रिस्क है जो हमें इससे पहले दिया गया था और उन्हें वो रिस्क उनके आमाल और वादा से मिलता जुलता और बार बार दिया जाएगा और उन बागों में उनके हर पहलू से पाको पारसा किए गए साथी होंगे और वो इसमें रह पड़ने वाले होंगे अल्लाह जन्नत के बयान के लिए किसी मिसाल के बयान करने से नहीं रुकता ख्वाह वो एक हिस्सा ही की हो या इससे भी कमतर किसी चीज की फिर जो लोग ईमान ला चुके होते हैं वो तो अच्छी तरह जान लेते हैं कि ये मिसाल उनके रब की तरफ से बिल्कुल दुरुस्त बयान हुई है रहे वो लोग जिन्होंने कुफ का इरतकब किया वो कहते हैं अल्लाह का इस मिसाल के बयान से क्या मंशा है असल बात यह है कि वो इसके जरिया बहुत से लोगों को गुमराह करार देता और उनकी गुमराही जाहिर कर देता है और बहुत से लोगों को इसके जरिया हदायत देता है और वो इसके जरिया उन बदअहद लोगों के सिवा किसी को गुमराह करार नहीं देता जो अल्लाह की अतात का अहद उसके पुख्ता कर देने के बाद तोड़ देते हैं और जिस ताल्लुक को कायम रखने का अल्लाह ने हुक्म दिया है उसे काटते हैं और जमीन में फसाद बर्पा करते हैं यही लोग जिया हैं ऐ अ तुम किस तरह अल्लाह और उसके अहकामों से फात का इनकार और उसकी बेकदरी करते हो हालांकि तुम बगैर जिंदगी के थे फिर उसने तुम्हें जिंदगी दी फिर वो तुम्हें मौत देगा फिर तुम्हें जिंदा करेगा फिर तुम उसी की तरफ लौटाए जाओगे वही तो है जिसने उन सब चीजों को जो जमीन में है तुम्हारे फायदे के लिए पैदा किया है और वो जमीन से ऊपर बुलंदियों की तरफ मुतवज हुआ और उन्हें मुकम्मल सात आसमान बनाया और उनकी जरूरत का लिहाज कर लिया और वो हर चीज की हकीकत से खूब आगाह है ऐ इंसान उस वक्त का तस्वर करो जब तुम्हारे रब ने मलाइका से कहा था कि मैं इस मुल्क में एक खलीफा मामूर करने वाला हूँ तो उन्होंने कहा क्या आप इसमें ऐसे लोग भी पैदा करेंगे जो इसमें फसाद फैलाएंगे और खून रेजियां करेंगे हालांकि जिस हद तक आपकी तस्बीह तकदीस का सवाल है आपकी तारीफ के साथ आपके बेऐब होने और आप में सब अजमतों के पाए जाने का इकरार तो हम कर ही रहे हैं इस पर अल्लाह ने कहा मैं यकीनन वो कुछ जानता हूं जो तुम नहीं जानते और अल्लाह ने आदम को जरूरत के सब नाम सिखाए फिर जिनके वो नाम थे उन्हें मलायका के सामने किया और कहा जब तुम दुरुस्त बात कह रहे हो तो मुझे इनके नाम तो बताओ उन्होंने कहा आप बेऐब हैं जो कुछ आपने हमें सिखाया है उसके सिवा हमें कोई इल्म नहीं यकीनन आप ही कामिल इल्म वाले बड़ी हिकमत वाले हैं इस पर अल्लाह ने कहा ए आदम इन चीज़ों के नाम उन्हें बताओ फिर जब आदम ने उन चीज़ों के नाम उन्हें बता दिए तो अल्लाह ने कहा क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि मैं यकीनन आसमानों और ज़मीन की छुपी हुई बातें जानता हूँ, और मैं जानता हूँ, जो तुम जाहिर करते हो और जिनके इजहार से तुम कासिर हो और उस वक्त का भी तसवर करो जब हमने मलायका से कहा था आदम की अतात करो तो सब ने अतात का इकरार किया मगर इबलीस ने ना किया उसने सख्ती से इनकार किया और बड़ा बनना चाहा, और वो क्यों ऐसा ना करता जबकि वो था ही काफरों में से और हमने कहा ए आदम तुम और तुम्हारी बीवी इस बाग में रहो और जहां से जब और जिस तरह चाहो और इसमें से आजादी से अच्छी तरह खाओ तुम्हें जरूरिया जिंदगी सहूलत और कसरत से मिलेंगी और देखो इस दरख्त के करीब भी ना जाना वरना तुम जालमों में से हो जाओगे आखिर शैतान ने उन दोनों को इस मुमानियत के बारे में उनके इरादे के बगैर लफ्जश दे दी और इस तरह उन्हें उस हालत अमन से जिसमें वो थे निकाल दिया और हमने उन्हें कहा यहां से चले जाओ तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और तुम्हारे लिए इस मुल्क में एक मुकर्रर वक्त तक ठहरना और मंजिल मकसूद तक पहुंचने के लिए फायदा उठाना मुकद्दर है इसके बाद आदम ने अपने रब से कई मुफीद बातें हासिल की तब वो खुदाए बरतर उसकी तरफ फजल से मतवज़्ज़ो हुआ यकीनन वही फजल से मतवज होने वाला बार बार रहम करने वाला है हमने कहा तुम सब इस हालत से निकल जाओ यकीनन, फिर तुम्हारे पास मेरी तरफ से कोई ना कोई रहबरी का सामान आएगा तो उस वक्त जो लोग मेरी रहबरी के पीछे चलेंगे तो ना उन्हें कोई खौफ रहेगा और ना वो गमगीन होंगे और जिन्होंने इनकार किया और हमारी बातों को झुटलाया वही आग में गिरने वाले हैं वो इसमें रह पड़ने वाले होंगे ए इसराइल की औलाद मेरा वो इनाम याद करो जो मैं तुम्हें दे चुका हूं और मेरे साथ किए हुए अपने अहद को पूरा करो मैं तुम्हारे साथ किए हुए अपने अहद को पूरा करूंगा और मुझसे बस सिर्फ मुझी से इस तरह डरो जिसमें एहतियात शामिल हो और जो डर काम की तरफ रगबत पैदा करे और इस कुरान पर ईमान लाओ जो मैंने उतारा है जो उस सहीफे को सच्चा कर दिखाने वाला है जो तुम्हारे पास पहले से मौजूद है और तुम इस कुरान के पहले मुनकर न बनो और मेरी बातों के बदले थोड़ी कीमत यानी मफात दुनिया न लो और मेरा ही बस मेरा ही तकवा इख्तियार करो और ऐसा न करो ये बड़ी मलामत की बात है कि जानते बूझते हुए सच को झूठ के साथ मिलाओ और सच को छुपाओ और देखो नमाज अदा करते रहो और जक़ात दो और फर्मा इख्तियार करने वालों के साथ अल्लाह के फर्मा हो जाओ क्या ये लोगों के लिए ताज्जुब और अफसोस की बात नहीं कि तुम लोगों को नेकी करने के लिए कहते हो और अपने आप को छोड़ देते हो हालांकि तुम इलाही किताबें तो पढ़ते हो क्या उसे पढ़कर फिर भी तुम अपने आप को ऐसी हालत से नहीं रोकते और सब्र और नमाज के जरिए अल्लाह से मदद मांगो और ये दोनों बातें यकीन बड़ी मुश्किल हैं मगर उन आज़जी और फरमाबरदारी इख्तियार करने वालों के लिए मुश्किल नहीं जो यकीन रखते हैं कि वो अपने रब से मिलने वाले हैं और ये कि वो उसी की तरफ पलट कर वापस जाने वाले हैं ऐ इसराइल की औलाद मेरा वो इनाम याद करो जो मैं तुम्हें दे चुका हूँ और ये भी याद करो कि मैंने तुम्हें तुम्हारे अम असरों पर फजीलत दी थी और उस दिन की मुसीबत से अपना बचाव कर लो जब कोई शख्स किसी के कुछ भी काम न आएगा और ना उससे किसी किस्म का मुआवजा लिया जाएगा और ना किसी की सिफारिश सुनी जाएगी और ना उन्हें मदद ही दी जाएगी और उस वक्त का तस्वर करो जब हमने तुम्हें फिरौनियों से बचा लिया था वो तुम्हें बदतरीन दुख दे रहे थे तुम्हारे बेटों को तो हलाक करते चले जाते थे और तुम्हारी औरतों को जिंदा रहने देते और बेहया बनाते थे और उस निजात में तुम्हारे रब की तरफ से एक बड़ा इनाम था और जब हमने तुम्हारे लिए समंदर अलग कर दिया तुम्हें बचा लिया और जबकि तुम देख रहे थे फिर को गर्क कर दिया था और जब हमने मूसा से चालीस रातों और दिनों के खसूसी तौर पर इबादत में गुजारने का वादा लिया था फिर तुमने उसके जाने के बाद इबादत के लिए बछड़ा बना लिया और तुम जालिम थे फिर हमने उसके बाद तुमसे दरगुजर कर दिया ताकि तुम शुक्र अदा करो और जब हमने मूसा को शरीयत और दलील हजत और दुश्मन पर फतह दी ताकि तुम हदायत पाओ और जब मूसा ने अपनी कौम से कहा था ए मेरी कौम तुमने बछड़े को माबूद बनाकर यकीनन अपनी जानों पर जुल्म किया है इसलिए तुम अपने बतदरीज और बिला नक्स वजूद में लाने वाले बारी ताला की तरफ तवज्जो तो करो और अपने इस जुर्म के सरगनों को कत्ल कर दो इसी में तुम्हें बतदरीज और बिला नक्स वजूद में लाने वाले बारी ताला के नजदीक तुम्हारे लिए बेहतरी है तब उसने तुम्हारी तरफ फजल से तवज्जो की यकीनन वही फजल से बहुत मुतवजो होने वाला बार बार रहम करने वाला है और जब तुमने कहा था ए मूसा हम तेरी बात हरगिज़ नहीं मानेंगे तान कि हम अल्लाह को जाहिर तौर पर देख लें इस पर तुम्हारे देखते देखते एक हौलनाक अजाब ने तुम्हें आ लिया था फिर हमने तुम्हारी इस सायका वाली गशी के बाद तुम्हें इसलिए उठाया कि तुम शुक्र अदा करो और हमने तुम पर बादलों का साया किया और तुम्हारे लिए मन और सलवा मुहैया किए और कहा इन पाक चीजों में से जो हमने तुम्हें दी हैं खाओ लेकिन उन्होंने ना फुरमानी की और ऐसा करके हमारा तो नुकसान नहीं किया बल्कि वो अपना ही नुकसान करते रहे और जब हमने कहा था इस बस्ती में दाखिल हो जाओ और जैसा कि तुमने चाहा था उसमें से वसत और आजादी के साथ खाओ पियो और उसके दरवाजे में फर्मामदार बनकर दाखिल हो जाओ और कहते जाओ हमारी खताओं का बोझ दूर हो तब हम तुम्हारी खताओं के बुरे अंजाम से तुम्हारी हिफाजत कर देंगे और आला आमाल बजा लाने वालों को और भी ज्यादा देंगे फिर ऐसा हुआ के जिन लोगों ने जुल्म किया था उन्होंने वो बात जो ने कही गई थी यानी जंग एक दूसरी बात यानी जमींदारा से बदलकर करना शुरू कर दी जिस पर हमने उन लोगों पर जिन्होंने जुल्म किया था उनकी मुसलसल बदअहदी के बायस आसमान से कलक पैदा करने वाला एक अजाब नाजिल किया और जब मूसा ने अपनी कौम के लिए पानी मांगा था तो हमने उसे कहा था अपना असा इस खास पत्थर पर मारो चुनाचे जैसे ही उन्होंने ऐसा किया उसमें से बारह चश्मे फूट पड़े और सब लोगों ने पानी लेने की अपनी अपनी जगह पहचान ली और उन्हें कहा गया कि अल्लाह के दिए हुए रिस्क में से खाओ और पियो और मुफ्त बनकर मुल्क में फसाद और शरारत ना फैलाओ और जब तुमने कहा था ए मूसा हमसे यह नहीं हो सकता के एक ही तरह की गजा खाते चले जाए इसलिए तू हमारे लिए अपने रब से दुआ कर कि वो हमारे लिए बाज ऐसी चीजें जिन्हें जमीन उगाती है पैदा करे उसकी तरकारी और उसकी ककड़ी और उसकी गंदम और उसके मसूर और उसके प्याज अल्लाह ने कहा क्या तुम इससे यानी फिर ऑन की गुलामी से छूट कर जो आला बात है लज्जत काम दहन लेना चाहते हो जो एक अदना सी चीज है अगर ऐसा ही है तो किसी शहर में जाओ उतरो तुम्हारे लिए वो सब कुछ जरूर मुहैया होगा जो तुमने मांगा है और फिर ऐसा हुआ कि उन पर जिल्लत और बेबसी मुसलत कर दी गई और वो इलाही नाराजी का मूरत बन गए ये इस वजह से हुआ कि वो अल्लाह की बातों का इनकार करते थे और नबियों को नाहक कतल करना चाहते थे ये गुनाह उनमें इसलिए पैदा हुआ कि उन्होंने नाफरमानी की और वो हद से बढ़ गए थे जो लोग जुबान से मुद्दई हैं कि हम ईमान लाए हैं और जो यहूदी हुए और नसारा और साबी जो भी उनमें से अल्लाह पर और पीछे आने वाले दिन पर सच्चाई मान लाए हैं और उन्होंने उसके मुनासिब काम किए हैं तो उनके लिए उनके रब के पास उनका अजर है ना उन्हें कोई खौफ रहेगा और ना वो गमगीन होंगे और जब हमने तुमसे पुख्ता इकरार लिया था और उस वक्त के तुम दामने कोह में तूर की रफतों के तले खड़े थे और तूर की चोटियों को तुम पर बुलंद किया हुआ था और कहा था जो हमने तुम्हें दिया है उसे मजबूती से पकड़ो और जो कुछ उसमें है उसे अमलन याद रखो ताकि तुम दुखों से बचे रहो फिर इसके बाद तुम अपने अहद से फिर गए और अगर तुम पर अल्लाह का फजल और उसका रहम न होता तो तुम जरूर नुकसान उठाने वालों में से हो जाते और तुम में से जिन लोगों ने सबक के मामले में ज्यादती की थी तुम उनके अंजाम को तो जान चुके हो इसी पर हमने उनसे कहा था जाओ जलील धत्कारे हुए बंदरों की तरह हो जाओ फिर हमने इस वाकया को उन लोगों के लिए जो इस वकूआ के सामने उस वक्त मौजूद थे और उनके लिए भी जो उसके बाद के हैं मूजब इबरत और सब मुतियों के लिए अजीम शान नसीहत बना दिया और जब मूसा ने अपनी कौम से उनकी बेहतरी के लिए कहा अल्लाह तुम्हें एक गाय बाह करने का हुक्म देता है उन्होंने कहा क्या आप हमें तमस्कर का निशाना बना रहे हैं मूसा ने कहा मैं इस बात से अल्लाह की पनाह मांगता हूं कि ऐसा फेल करके नादानों में से हो जाऊं उन्होंने कहा अपने रब से हमारे लिए दुआ कीजिए कि वह हमें खोल कर बताए कि वो गाय कैसी है मूसा ने कहा वो फरमाता है वो ऐसी गाय है कि ना तो बुढ़िया है और ना बच्चिया इसके दरमियान पूरी जवान है इसलिए जो हुक्म तुम्हें दिया गया है उसे बजा लाओ उन्होंने कहा अपने रब से हमारे लिए दुआ कीजिए कि वो हमें खोल कर बताए कि उसका रंग क्या है मूसा ने कहा वो फरमाता है वो जर्द रंग की गाय है उसका रंग बहुत शोख है और वो देखने वालों को बहुत अच्छी लगती है उन्होंने कहा अपने रब से हमारे लिए फिर दुआ कीजिए के वो हमें खोल कर बताए कि वो मतलूबा गाय कौन सी है गायें हम पर मुश्तबे हो गई हैं और इस किस्म की सब गायें एक सी नजर आती हैं और अगर अल्लाह ने चाहा तो यकीनन हम मकसूद को पाने वाले हैं मूसा ने कहा वो फरमाता है कि वो एक ऐसी गाय है जो गांव पर नहीं लगाई गई कि हल चलाती हो और जमीन फाड़ती हो और ना राहट में जोती गई कि खेत को सींचती हो सही ओ सालम है यक रंग है उसमें दूसरा रंग पाए जाने का कोई दाग धब्बा नहीं उन्होंने कहा हाँ अब आप ठीक ठीक पता लाए हैं तब उन्होंने उसे जिबाह किया और वो करीब भी न थे कि जिबाह करते और जब तुमने एक अजीम शख्स को अपनी तरफ से तो कत्ल कर ही दिया था फिर इसके बारे में बहम इख्तलाफ किया और जो तुम छुपाते थे अल्लाह उसे जाहिर करने वाला था सो हमने कहा उसे उसके बाद से मारो यानी फेले कत्ल पूरी तरह वारद न होने दो अल्लाह इसी तरह मुर्दे जिंदा किया करता है और तुम्हें अपने निशान दिखाता रहता है ताकि तुम बुराइयों से रुक जाओ इसके बाद फिर तुम्हारे दिल सख्त हो गए चुनाचे वो पत्थरों की तरह थे बल्कि सख्ती में उनसे भी बढ़कर और पत्थरों में से तो ऐसे भी होते हैं जिनमें से जोर से दरिया बहते हैं और उनमें से ऐसे भी होते हैं कि फटते हैं तो उनमें से कुछ पानी निकलने लगता है और इन दिलों में से भी कुछ ऐसे हैं कि अल्लाह के खौफ से लरस कर उसके आस्थाने पर गिर पड़ते हैं और जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह उससे हरगिज बेखबर नहीं क्या तुम इन यहूद से उम्मीद रखते हो कि वो तुम्हारी बात मान लेंगे हालांकि इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो अल्लाह का कलाम सुनते हैं फिर उसे समझ लेने के बाद दीदा दानिस्ता इसमें तहरीफ करते रहते हैं और वो जानते हैं कि ये तरीक दुरुस्त नहीं और जो लोग ईमान ला चुके हैं जब ये उनसे मिलते हैं तो कहते हैं हम भी ईमान ले आए हैं और जब एक दूसरे से तखलिए में मिलते हैं तो आपस में कहते हैं क्या तुम इन मुसलमानों को वो बातें जो अल्लाह ने तुम पर खोली हैं बताते हो इसका नतीजा ये होगा कि वो इस जरिया से तुम्हारे रब के हजूर तुम पर हज्जत में आ जाएंगे क्या तुम अकल से काम नहीं लोगे वो ऐसा कहते हैं और क्या वो नहीं जानते कि जो वो छुपाते हैं और जो जाहिर करते हैं अल्लाह यकीन उसे जानता है और उनमें से बाज बे पढ़े लिखे हैं और वो रट लेने के सिवा इस किताब तौरात का कुछ भी इल्म नहीं रखते और महज बेअसल बातें कर रहे हैं